बदलापूर मधील लहान मुलांवर झालेल्या अत्याचाराचे पडसाद राजधानी दिल्लीतही उमटलेले आहेत। राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग या सर्वोच्च बाल संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या आयोगाकडून या प्रकरणाची दखल घेतली गेलेली आहे आणि लवकरच राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग यासाठी आपली टीम स्वतः बदलापूरला पाठवणार आहे। आपल्या सोबत आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। प्रियांक जी, अभी बदलापुर में जो दुर्घटना हुई है उस मामले में आपने संज्ञान लिया है एनसीपीसीआर की ओर से, तो इसके मामले अभी आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, हम वहाँ पर एक टीम भेजेंगे अपनी। हमको ये जानकारी मिली है कि लोकल पुलिस स्टेशन ने एफआईआर करने में देर की। अगर एफआईआर करने में किसी प्रकार की देर हमारी जांच में पाई गई तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि राज्य सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया और वहाँ के उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोकल पुलिस के जो अधिकारी प्रथम दृष्टया उनको दोषी लगे उनको बदला गया है। ये एक स्वागत योग्य कदम इस मायने में है कि अगर आयोग की टीम भी वहाँ जाके जांच करेगी तो ऐसे व्यवधान उत्पन्न करने वाले अधिकारियों को रहते उनके विरुद्ध जांच करना मुश्किल होता है, तो इससे हमको भी अपनी जांच में मदद मिलेगी। बाकी आयोग की टीम जब वहाँ जाएगी, फैक्ट फाइंडिंग एक विजिट करेगी और उसके बाद जो तथ्य हमारे सामने आएंगे हम आपको अधिक कुछ बता पाएंगे। सर जी, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 13 अगस्त के दिन ये सब दुर्घटना हुई है, उसके बाद में कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की ओर से इसको दबाने का प्रयास किया गया, ऐसे भी समझ में आ रहा है। कोई पेरेंट्स जब गए जानकारी लेने के लिए, पूछताछ करने के लिए, तो उनको एंटरटेन नहीं किया गया, तो इसके मामले में और क्या हो सकता है? देखिए, अनेक सारे नियम हैं, जैसे स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन होना, जैसे स्कूल सेफ्टी मैनुअल का लागू होना, जैसे माता पिता और अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट इनके बीच में आपस में डिस्कशंस होना। अगर स्कूल ने एफआईआर दर्ज करने में किसी प्रकार की हिलाहवाली की है, मामले को दबाने का प्रयास किया है, तो ये पॉक्सो के सेक्शन 19 के तहत अपराध है। हम अपनी जांच में इस मुद्दे पर भी जांच करेंगे और ये तथ्य सही पाया गया तो स्कूल के विरुद्ध एफआईआर करवाई जाएगी। स्कूल के विरुद्ध एफआईआर होगी और जो जो लोगों ने इसको दबाने का प्रयास किया हो, फिर वो प्रशासन के भी हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी? डेफिनेटली, कानून जो है वो भारत की संसद ने बनाया है और भारत सरकार का पॉक्सो के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के स्पष्ट निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी, जो भी दोषी होगा उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन सर, कई बार ये मैनुअल का जो इग्नोर किया जाता है, कई बार स्कूलों की ओर से सीसीटीवी नहीं होता है, स्टाफ के मामले में इस प्रकार का एक इग्नोरेंस एटीट्यूड है, तो इस सब को देखते हुए और बाद में मामला दबाने का प्रयास, इसके लिए निजी स्कूलों पे बच्चों की सुरक्षा के मामले में नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने 2021 में स्कूल अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइन राज्य सरकारों को अनुशंसित की थी। राज्य सरकारों का काम है स्कूल अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइन का पालन करना। हम ये भी जांच करेंगे यदि महाराष्ट्र में स्कूल अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइन की पालना में कोई हिला हवाली हो रही होगी तो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। और एक सवाल ऐसा है कि अगर इस सारे मामले में अभी जो टीम जाने वाली है वो टीम कब तक पहुंचेगी बदलापुर में और आगे की कार्रवाई कैसे होगी, क्या क्या करेगी टीम? आयोग की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उनके तहत जब भी टीम भेजी जाएगी हम आपको सूचित करेंगे। तर आपल्यासोबत होते प्रियांक कानूनगो, ज्यांनी म्हटलंय की बदलापूर प्रकरणी आम्ही या सगळ्याची गांभीर्याने दखल घेतलेली आहे आणि झिरो टॉलरन्स पॉलिसी आहे। जरी शाळा प्रशासन असेल किंवा कोणतेही पोलीस अधिकारी असतील ज्यांनी या प्रकरणात हलगर्जी केली असेल तर त्यांच्यावर सुद्धा पॉक्सो कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते आणि जर कोणी दोषी आढळलं तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशा सूचना आयोगाच्या वतीने देण्यात येणार आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रशांत कुमारसह सोमेश कोलगे, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।